ओम श्री अरविंद मीरा मु सुस्मिता महापात्र आज पाठ करने को जाऊँ सावित्री महाकाव्य द्वितीय खंड चतुर्थ पर्व चतुर्थ सर्ग संधान पृष्ठ नंबर 356। सेमानंक स्पर्शरे एक जादुकर सुखर प्रवाह बही जाए सही बनानीर प्रशांति मध्यरे एकत्व ही सर्वव्यापी हो रही थाए हिंस्र वन्य पशु आपणा शिकार सहित मित्र परि व्यवहार करे एक ही परमा जननी हृदय झरी पड़ुथिबा प्रेम सेमानंक हृदय मध्यरे घृणा ओ द्वंद्वर अवसान घटाइबा लागि स्वीकृत कराई एही कठिन क्षत विक्षत जगत को निरामय करे। अन्य केतेके चिंता राज्यर सीमा पार होई सेही स्थान को चली जाती जेउठारे मनोमय पुरुष महाज्योतिर जन्म अपेक्षार अचल होई सोई रही थाए एवं सेठारु अनामा महाशक्तिर बसरे स्पंदित होई सेमानंक प्रति कोषाणु विद्युन्मय मधुपानरे मत्त होई फेरी आसे बोधिज्ञान को सवेगरे आपणा वाक्यरे प्रस्फुरित करी दिव्य प्रेरणादायी महावाक् द्वारा अधिकृत स्पंदित तथा ज्योतिर्मय होई स्वर्गरे व्याप्त होई रहिथिबा सूक्ष्म स्वर श्रवण करी सकल सूर्य को प्रज्वलित करुथिबा सेही दीप्ति को बहन करी सेमाने गायन करंती अनंतंक नाम एवं मृत्युंजय शक्तिंक स्तोत्र जहार जगति छंदरे गतिशील जगत सबु प्रतिफलित हुए एवं दृष्टिर शब्द तरंग अंतरात्मांक गभीर अतलर बंधन भांगी उत्सारित हुए। केतेके सेमानंक व्यक्तिसत्ता ओ निजस्व चिंताधारा को नैर्व्यक्तिक महाशक्तिर चिरस्थिर महासागररे हराई देई अनंत महाज्योतिर ब्रह्मदृष्टि लाभ करी दृढ़ासीन होई रहिथंती किंबा सनातन संकल्पर सखा होई अतीत ओ भविष्यत कालर योजना निरीक्षण करिचालिथंती। केतेके विश्वरूपी महासागर बक्षरु विहंग सदृश डेणा मेली उड़ी जाई समुज्जल महानिराकार ब्रह्म मध्यरे निर्वाण प्राप्त हुवंती। केतेके निर्वाक भावे नटराजंक विश्वनृत्यर साक्षी हुवंती अथवा विश्व वैराग्य अवलंबन करी जगतर सहायक हुवंती। केतेके अद्वितीय परमात्मांक मध्यरे निमज्जित होई आउ अधिक काल निरीक्षण नकरी जेउठारु जीवात्मांक आउ पुनरावर्तन हुए नाही सेही निर्वाण रूपी महासमाधि गर्भरे विलीन होई जानती किए बा जगतर सकल गुढ़ रेखा सबुदिन सकाशे रुद्ध करी जन्म ओ व्यक्ति रूपर श्रृंखल सबुरु विसर्जित होई निसंग भावे सेही अनिर्वचनीयंक निकटरे पहुंची जानती। छाया घेरा अवकाश पार होई सूर्य किरण भासी आसिला परी सेही हिरणमयी कुमारी सावित्री तांक चित्र खोदित रथरे एही ध्यानासीन ऋषि मुनि मानंकु पार होई चालिबाकु लागिले। नमस्ते।